breaking news. शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिविर मेला लगाया गया, जिसमें सभी बीमारियों के डॉक्टरों को बुलाया गया और लोगों को फ्री में चेकअप कराया। इस मेले में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी पहुंचे। स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य गरीब लोगों का निशुल्क इलाज करना, साथ ही उन लोगों को मुफ्त में दवा ही देना था। इस अवसर पर भारी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य संबंधित अपनी जांचें कराई। सभी को कैंप के सभी को निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार का फूलों को भेंट कर स्वागत किया गया। सही है। और कोई फोटो रह गया? पोकर बोड़ा जी ऊपर रह जाओ। यार कहाँ गए यार? बाहर देखिए। ठीक है जी। भारत माता की जय। डॉक्टर साहब, ये किस चीज का मेला लगाया और किस? ये जो आज हमने लगाया है स्वास्थ्य सेवा मेला, लोगों के स्वास्थ्य के लिए अलग अलग स्पेशलिटी के फिजिशियन बैठे हैं, बच्चों के रोग के लिए पीडियाट्रिशियन बैठे हैं, आँख के लिए आँख के डॉक्टर साहब बैठे हैं, हड्डी के डॉक्टर साहब बैठे हैं, एक सर्जन बैठे हैं और एक महिला चिकित्सक भी। अलग अलग जिसको जो तकलीफ हो उसके हिसाब से दवाई दी जाएगी और उसकी जांच भी होगी। यहाँ पर खून की जांच भी हो रही है, हीमोग्लोबिन हो रहा है, ब्लड शुगर हो रहा है, नौजवानों का ब्लड ग्रुप भी टेस्ट कर रहे हैं हम। इसके साथ ही साथ लोगों का वजन भी टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी नपा रहे हैं। हेल्दी आदमी भी अपना चेकअप कर सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर ठीक है या नहीं, ब्लड शुगर तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है, ताकि वो स्वस्थ रहे। इसके साथ ही साथ जो बीमार हैं उनका इलाज हो रहा है और एलोपैथिक पद्धति के साथ साथ आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक के चिकित्सक भी बैठे हुए हैं, ताकि जिसको जिस पैथी में फेथ है उससे वो इलाज कराए और ठीक हो। इसके साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग की ओर से हमने वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और सामूहिक विवाह योजना का भी कैंप लगाया है। जिन लोगों ने अपनी शादी तय कर ली है, जिन लोगों के शादी तय हो गई है और उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है लड़की की और लड़के की 21 साल से ज़्यादा, सामूहिक विवाह होगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना है। 51,000 रुपये एक शादी पर सरकार खर्च कर रही है, 35,000 रुपये नकद लड़की के नाम दिए जा रहे हैं, लड़के लड़की का कोई खर्चा नहीं। सामूहिक विवाह में जो माँ बाप अपनी तरफ से देना चाहे वो दे सकते हैं, कोई दहेज बंधन नहीं है। इसी तरह से जो हमारी बहनें जो किसी वजह से विधवा हो गई हैं उनके लिए भी पेंशन का प्रावधान है और उसके लिए भी हमने यहाँ बिठाना है, ताकि जिन बहनों को अप्लाई किया हुआ है पेंशन नहीं मिल रही है उन्हें पता लगे पेंशन क्यों नहीं मिल रही है और जो कमी है उसे दूर कराएं, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री की नई सुमंगला योजना आई है, जिसमें जिन लोगों के दो बच्चे हैं लड़की के जन्म पर 2,000 रुपये, जब लड़की साल भर की हो जाए और उसके टीकाकरण पूरा हो जाए तो 1,000 रुपये, जब बच्चा पहले क्लास में दाखिला लेगा तो उसे 2,000 रुपये दिए जाएंगे, जब बच्चा पांचवा पास करके छठे में दाखिला लेगा तो उसे 2,000 दिए जाएंगे, आठवां पास करके नवे में दाखिला करेगा तो फिर 2,000 दिए जाएंगे। इस तरह से जो बच्चा इंटर पास करके बीए में या किसी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेगा उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह सुमंगला योजना के अंदर 15,000 की मदद दी जाएगी। इसके साथ ही साथ यह हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के भी कैंप लगाए हैं, जिन लोगों ने
प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई किया है, उनको पता लगे कि उनके कार्ड पे क्या कार्रवाई हुई, उनका नंबर कितने दिन में आएगा, और जिन लोगों ने भरा है अगर फार्म में कोई कमी है तो पता लगेगी, वो कमी दूर की जाए, और हर गरीब को छत दी जाए। मोदी जी और योगी जी का ये विश्वास कि हर गरीब को 2022 तक छत दी जाए, उसको पूरी करने में हम पूरी मदद करें। साथ ही साथ पूर्ति विभाग से हमने कैंप लगवाया है, जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है उनका राशन कार्ड बनवाएंगे। यहाँ पर नगर निगम के संबंध में किसी के पास सड़क नहीं है, नाली नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, वो भी लिख के दें, नगर निगम को भेजेंगे ताकि वो भी काम करें। साथ ही साथ विकलांगों के लिए भी जिनको ट्राइसिकल चाहिए वो अपना नाम यहाँ दर्ज करा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमने कैंप लगाया है, जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है उन्हें लाइसेंस की प्रक्रिया बताई जाएगी और उनका लाइसेंस बनाने में सहयोग किया जाएगा। इन सब के साथ ही साथ लोगों को दवाइयाँ देने का भी प्राविधान है, जिनको डॉक्टर जो दवाई लिखेंगे वो दवाइयाँ दी जाएंगी। मैं चाहता हूँ लोग इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। इस तरह के कैंप हमने कई लगाए हैं और हम ऐसे ही कैंप लगाते रहेंगे ताकि लोगों की स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ अन्य सेवाएं भी हों, ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश जल्दी बन, गरीब आदमी की मदद हो, गरीब की सेवा हो।